भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਮੁੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ
ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ
पिछले दीवाना दे सतगुर जी ने सिर ते हाथ रख के सेवा ली सी, ओह विषय नूं आपां अगे तोरना। कई ये गल कहिंदे ने जी पंथ कहिंदी कला वल जा रहा दिनों दिन, सिखी दे विच गिरावट आ रही है, सिख पंथ का की बनेगा। एक कुछ सवाल सन जो पिछले दीवाना दे ले गए सन, और कुछ जवाब नाल दिते गए सन, ओह विषय नूं आपां अगे तोरना। सतसंगत, सच्चाई ए है जदों आपां सिख पंथ की गल करते हैं, गल पंथ की करते होंगे पर ख्याल यह होंदा है मैं शायद पंथ तो बाहर हाँ, ये ड्यूटियां ये जिम्मेवारियां फलाने दियां ने, फलाने दियां ने, फलानी संस्था दियां ने, फलाने प्रचारक दियां ने। पंथ दे विच हरेक जी आ गया, हरेक गुरु नानक नाम लेवा जिहड़ा पंथ है ना, उहदे विच हर जी जिम्मेवार है सिख पंथ की चढ़ती कला लई, ते जिम्मेवार है सिख पंथ की ढेंदी कला लई। पिछले दीवाना च कुछ पॉइंट्स रखे गए सन, बस इशारा मात्र दे के आपां अगे लंघांगे, फिर नवे पॉइंट्स फिर डिस्कस करने। विचार हुई सी पिछले दीवान दे विच, साड़ी जिहड़ी मां बोली है घरों उड़दी जा रही है। दास ने कई ऐसे ऐसे गुरसिखां दे घर दे विच आ गल वेखी है, गुरसिखी का पहरा चंगा हुंदा है पर जदों अपने बच्चियां नाल, अपने पोतरियां नाल, पोतरियां नाल गल करनी होंदी उदों हिंदी च गल कर रहे हैं। मां बोली उड़दी जा रही, ऊड़ा ते जूड़ा निकलता जा रहा साढ़े घर। असी दोष दिने किसी ने, वो तुसी देखो ढेंदी कला दे विच किदी जिम्मेवारी बनी। तुहाडे घरों जे अज मां बोली उड़ी है ते तुहाडे अपने करके उड़ी है, इहदे च किसी का दोष नहीं सी। तुहाडे घरों अज सिंह ते कौर उड़दे जा रहे, सिखो जदों विआह दे कार्ड छपदे ने जां कुछ भी ऐसे खुशियां दे कार्ड छपदे ने, सिंह कौर अज उड़दा जा रहा, पता नहीं कैसा फैशन आ गया, कैसा फैशन आ गया, सिंह उड़दा जा रहा, कौर उड़दा जा रहा। असी कहिंदे ढा लांदे पे ने पंथ विरोधी ताकत, हुण दसो इत्थे किन्ने ढा लाई है, आप ढा ला रहे। इशारा दे के बस खाली अगे लग रहे, घरों साढ़े शर्म उड़ती जा रही है, साढ़े घरों शर्म उड़ती जा रही है। जदों बच्चियां नूं तैयार करना होंदा, निक्की निक्की बच्चियां होंदियां साड़ियां, मान लो 5 साल 6 साल 7 साल, मावां फैशन प्रस्ती दे विच अज फिल्मां दे जो देखिया जा रहा, नाटक जेटकां जे देखिया जा रहा, फैशन प्रस्ती दे विच अपने बच्चियां नूं जदों तैयार करन लगदियां, भुल जांदियां कि घर दे विच कोई गुरसिखी का पहरा भी आपां रखणा है। लिबास वेखण वाले होंदे ने, दास दे घर एक नौजवान बच्चा आया, विआह होया पिया सी, छोटी जिही बच्ची सी, मेरा ख्याल है कि वह बच्ची कोई होएगी 5-6 साल की, छोटी जी बच्ची सी। उहदा पहरावा देख के मैं हैरान हो गया उस बच्ची का, है जी इधरों उपर पाई है सलैक्स जी, ते वो उपरों सारियां बाहां नंगियां, निकर जी पवाई हुई है, सारे साध संगत पैर होर सारे अंग है ना, ते वो मैं उस गुरमुख प्यारे नूं कहा, मैं कहा ओ सजना की पवाया ही बच्ची ने, की पवाया? कहिंदे जी बस इदां दा अज फैशन चलदा पिया, आखो सतनाम फैशन चलदा पिया। वो कुदरती बच्ची, छोटी जी बच्ची है, वह दास दे नाल बहुत प्यार है, कह
कई बार होंदा ना बचपन दे विच किसी नाल लगाओ होंदा, ते मैं उन्हूं बुला लिया। मैं कहा पुत्र इधर आ, मैं कहा हुण माँ प्यो नूं नहीं समझाना, मैं कहा बच्चा इधर आ, अगों तो तुसी ये ड्रैस नहीं पानी, अगों तो तुसी ये ड्रैस नहीं पानी, और मम्मा पाण लगन तुसी चुक के सुट देनी है। सच्चाई ए जे, मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी जोरी कह रहा जी, अगली वारी उस गुरमुख प्यारे ने मैनू दसिया, कहिंदे असी यतन कर बैठे नूं पाण दा, कपड़े इहो जे अद नंगे जे नहीं पाए इस बच्ची ने, आखो सतनाम नहीं पाए। देखो बचपन दे विच किसी दे नाल जदों प्यार या मोह होया ना, वो उस मुताबक आपां उहनूं जिहड़ी गल कह दईए, इस चीज़ दा दास ने लाभ चक लिया। मैं कहा बच्चा तुसी ये नहीं पाने, वो छोटी जी बच्ची दे घर दे खाने च समझ लग गई मैं ये बस्तर नहीं पाने, माँ ने अगली बारी पवाने चाहे उन्हें चुके पासे सुटते, चुके पासे सटते, कहिंदे वीर जी गुस्सा करनगे, आखो सतनाम। वो छोटी जी बच्ची कहिंदी वीर जी गुस्सा करनगे, मैनू एड्डी खुशी हुई जदों उहदे फादर ने उहदे प्यो ने मैनू दसी गल। हुण सतसंगत इत्थे असीं कितना कसूर गिणांगे, कितना कसूर गिणांगे, आप दा कसूर नहीं, आप दा ही कसूर है। साढ़े घरों इतिहास उड़दा जा रहा, मैं खाली संकेप करके चल रहा जिहड़ा पिछला दीवान होया। कई बार नवी संगतां आईयां होंदियां फिर वह लड़ी जोड़न वास्ते दसना पैंदा, साढ़े घरों इतिहास उड़ता जा रहा, इन्ना उड़ चुकिया इतिहास सतसंगत, हुण कोई भी साढ़े बच्चे नूं साडा ही इतिहास तोड़ मड़ोड़ के वह दस देवे, साडा बच्चा यकीन कर लेगा, आखो सतनाम। साढ़े बच्चे नूं कोई भी बंदा साढ़े ही इतिहास नूं तोड़ मड़ोड़ के पेश कर देवे, वह साढ़े बच्चे नूं पता ही नहीं, उन्हें मनना ही है, मनना ही। साढ़े घरों उड़ते जा रहे गुर इतिहास, सिख इतिहास उड़ता जा रहा। मैं पिछले दीवान च बेनती लाई सी, बिना तुहाडे चरणां च और जिथे तक आवाज़ जा रही है भावें चैनलां राही लखां प्राणियां दे कोल ये आवाज़ पहुँच रही है, मैं हथ पन ये बेनती करदा तुहाडे चरणां दे, घट्टो घट अपने घर दे 15 मिनट का जरूर एक सैशन रख्या करो, रात में 15 मिनट ज़्यादा नहीं, ओनली 15 मिनट्स गुर इतिहास खोल लो या सिख इतिहास खोल लो, बच्चा बैठे परिवार कोल बैठे एक साखी पढ़ लो, दो साखियां पढ़ लो गुर इतिहास दियां या सिख इतिहास दियां, जाणू तो हुंदा चाहे ना बच्चा। आपां अपने गरीबान दे विच झाती नहीं मारदे ते दोष दूजियां ते मड़ी जांदे पे, निकी 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 साध संगत साडी बुनियादी चीजां अगर मजबूत होणगियां ना, ध्यान देना, निकी निकी साडी बुनियादी चीजां मजबूत होणगियां वड्डे मसले उठ ही नहीं सकणगे, आखो सतनाम, उठ ही नहीं सकणगे। ते साहिब कहिंदे ने दूजियां दे वल वेखण तो पहला सजणा पहले अपने वल झाती मार, झाती मार, अपने घर नूं पहले संभाल। अपने गिरिवान मैं सिर नीवा कर देख, अपने गिरिवान मैं सिर नीवा कर दे, बोलो सारे, अपने गिरिवान मैं सिर नीवा कर दे, अपने फरीदा जे तू अकले लतीफ काले लिखना लेख, फरीदा जे तू अकले लतीफ काले लिखना लेख, फरीदा जे तू अकले लतीफ काले लिखना लेख, फरीदा जे तू अकले लतीफ काले लिखना लेख,
काले लिख नाले काले लिख नाले आपने गिरवान में सिर नीवा कर दे आपने अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत रह अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन हार प्रभु पर दीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार किसकी सीख तेरे संसार किसकी सीख तेरे संसार साहिब भी कहते पे मेरे पंजवें गुरु नानक कहते रहत अवर कछ अवर कमावत अंदरों कुछ होर है बाहरों कुछ होर दिखांदा फिरदा भेख दिखांदा रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत मन करके प्रीत नहीं है मन करके प्रीत नहीं पर मुख तो प्रीत गंडी बैठा है मुख तो दर्शाउंदा है मेरी बड़ी प्रीत है बड़ी प्रीत है बड़ा पंथ दर्दी है बड़ा पंथ दर्दी साहिब कहते जानन हार प्रभु प्रवीन वो बड़ा सियाणा ही हो बड़ा सियाणा ही वो जानन हार है सब जानता है अंदर बार दी खबर रखता है की तू अंदरों है की तू बाहरों जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख ना काहू पीन ओ नहीं तेरे बारले पेख तो रीझ सकता नहीं रीझेगा फिर साहब कहते अवर उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे उपदेश पिया देना है पर आप कमाउंदा नहीं मैं हर खेत्र की गल नाल लेके चल रहा जे इथों बह के कोई कहिंदा कि अमृत वेला संभालो अमृत वेला संभालो ते बोलन वाला आप अठ अठ बजे उठता होवे छे छे बजे उठता होवे सत सत बजे उठता होवे फिर ता रहत अवर कछ अवर कमावत वाली गल होगी जे कहिंदा होवे भाई निंदिया नहीं करनी चाहिए माड़ी है गुरु जी कहिंदे ने निंदिया नहीं करनी चाहिए ते आप जिथे बह जांदा मन मन निंदिया का भार सिर ते ढोई जांदा फिर तो साहिब कहते अवर उपदेश है आप ना कर आवत जावत जन्मे मरे फिर कहते ने जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जिदे अंदर रब पिया वसदा है जिन्हें कमाया अपने गुरु नु जिदा जीवन है जिदा इकलाक है सच्चाई ए साध संगत फिर उन्नू बोलन की भी लोड़ नहीं पैंदी उहदे जीवन नू वेख के कई जीवन पलटे खा जांदे ने आखो सतनाम और मैं एक गल कह दिया सत संगत गुरसिखी प्रचार का मार्ग नहीं गुरसिखी अमल का मार्ग है अमल का प्रचार करी जाना है गुरसिखी का गुरु की सिखी का प्रचार करी जाना है
आप उस प्रचार तो दूर है। नहीं, गुरसिखी प्रचार का मार्ग नहीं, गुरसिखी अमल का मार्ग है, कमाण का मार्ग है। अपने अपने घरों शुरू होवो जी, अपने अपने घरों शुरू होवो। जब अपने अपने घरों शुरू होवांगे ना, सात संगत सिखी की नींव मजबूत होती जाएगी, नींव मजबूत होती जाएगी। किवें कहिंदे ने साहिब, आओ सारे कृपा करियो जी। आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर देख। हर प्राणी अपने आप नू गुरु पंथ दा अंग समझे, गुरु पंथ दा अंग समझे। और साध संगत गुरसिखी नू कमावे, गुरसिखी नू कमावे, एक ऐसा ज्ञान रखे कि मैं वो काम नहीं करने जिदे करके मेरे गुरु ते उलांबा आवे, मेरे पंथ ते उलांबा आवे। अदास नू ना एक व्हाट्सएप दे विच एक वीडियो आई, बड़ी छोटी जी वीडियो सी। विदेश तो कोई बंदे घूमण लई आउंदे ने, वो थ्री व्हीलर च बहिंदे, वो थ्री व्हीलर च बहिंदे ने। जदों तुरदा थ्री व्हीलर तो वह बीबी पुछदी है थ्री व्हीलर वाले नू, कहिंदे भाई साहब तुहाडा नाम की है? तो अगों कहिंदे मलकीत सिंह। ध्यान देना, कहिंदे मलकीत सिंह, सिर तो केस कट्टे हुए सी, नीचे दाड़ा नहीं सी। कहिंदे मलकीत सिंह, उस बीबी ने कहा केंद्र तू सिंह नहीं हो सकता। ध्यान देना, मैं इन्नी चंगी वो वीडियो लगी है, छोटा जा क्लिप सी। केंद्र तू सिंह नहीं हो सकता, सिंह वाले लक्षण कितने ने तेरे को? ना तेरे सिर ते दस्तार है, ना तेरे को दाड़ा है। सिंह वाले लक्षण कितने ने तेरे को? ज्ञान होवे साध संगत की साडे करके साडे पंथ ते उंगल ना आवे, साडे करके साडे गुरु ते उंगल ना होवे, उलांबा ना जावे। आखो सतनाम। हुण कुछ एग्जाम्पल्स दस लैण लगा। आपां बार बार एक चीज ते बस खाली अड़के बैठे हुए, पंथ विरोधी ताकतां जी पंथ नू ढा ला रही हैं, पंथ विरोधी ताकतां पंथ नू ढा ला रही। ओ पंथ विरोधी ताकत ने तो बाद च ढा लानी, तू अपने पंथ नू अपने घर नू पहले ढा लांदा पे। आखो सतनाम। पहले तू ढा ला रहे हैं, ओ ताकत ने तो बाद च ढा लानी। हुण एक गल दसो, मैं कोई फिल्म तुसी ले लो जिदे विच सिखां दा रोल दिखांदे, उहदे विच की दिखांदे ने? उहदे विच ज़्यादातर दिखाया जाता है सिख नूं संबोधन किया जाता या मास दे नाल या शराब दे नाल। सिख की कोई पार्टी होए बुर बुर करते हुए पंजाबी दिखाए जाते हैं, बोतलां खोलते हुए है जी, मास पाड़ते हुए है जी। तो जे कोई ना छके तो उन्हूं कहिंदा तू सरदार है, तू सिख है, इदां दिखाया जाता। हुण एक बंदा बोले जी ये गलत किरदार दिखाते, ये गलत बोलते, ये गलत दिखाते ने। दसो जी की वह गलत दिखाते हैं? हिरदे च हाथ रख के गल करो कि वह गलत दिखाते हैं? वो कुछ दिखा रहे हैं जो कुछ अज तुहाडे कोल है, अज तुसी कर रहे हो। उंगल ता चको जे तुसी सुथरे हो, तुहाडे विआह तुहाडे पार्टियां तुहाडियां शादियां दे विच आ काम ना होंदे हो, अश्लीलता ना चलती होवे, शराब दे दौर ना चलते होण, मास दे दौर ना चलते होण। कई बारी तो मैं वेखदा कई शादियां दे विच कई आनंद कारजां दे विच तां साध संगत शराब पी के झगड़े हो जाते, लड़ाइयां हो जाती, खून खराबे हो जाते हैं आ चंदरी शराब दे करके। तू की कहीं ने कि वह गलत दिखांदे?
नहीं, वो कुछ दिखांदे पए ने जो कुछ तुसी कर रहे हो, जो कुछ तुसी कर रहे हो। अज सानू साध संगत अपने तो खतरा है, किसी बगाने तो खतरा नहीं। अज साडे पंथ नू, अज साडी कौम नू बगाने तो घट, सानू अपने तो खतरा है। अपने तो अपने ही ढा ला रहे। तुसी अज किरदार उच्चा सुझा कर दिओ, तुहाडे आनंद कारज दे विच गुरमत दे पहरे होण, पैलसां च तुहाडा विआह ना होवे, शराब ना चलदी होवे, मास ना चलदा होवे, कीर्तन दरबार होवे, उस तो बाद लंगर होवे, सत्संगत आ परंपरा जे रेगुलर शुरू हो जावे, ते ए फिल्मां वालियां नू ओ सीन विखाने पैणे ने। आखो सतनाम कि पंजाबियां दा किरदार आ है, सरदारां दा किरदार आ है, क्योंकि सच है, सच होएगी। अज जो है वो दिखा रहे, तो असी रोला पाते फिरते हैं जी, आ फिल्मों वाले सानू देखो कि बदनाम करते हैं, आ फिल्मों वाले साढ़े कौम को कि बदनाम करते। नहीं नहीं, अपने विच झाती मारो, अपनी फोकी शान दे विच, फोकी शान दे विच साथ सी। असी दुनिया का मुख वेखते हैं, गुरु तो मुख मोड़ लेने, दुनिया की खुशी लैण वास्ते गुरु की खुशी तो बेमुख हो जाने। फिर कहने जी पंथ ढेंदी कला च जा रहे, पंथ से गिरावट आ रही है। वह किन्ने की गिरावट किन्ने की, मैं थोड़े तो सारे सवाल करता वा जी, जेड़े जेड़े वेखते पे किन्ने गिरावट की, असी खुद की है, कोई बाहरों आके गिरावट नहीं करता पे। आखो सतनाम, आओ पढ़ो। यही तो साहब कहते हैं, कहते दूजियां वाल उंगल करन वाले आ, पहले अपने गरीबान दे झाती मार के वेख, अपने गरीबान दे विच, ते फिर किसी दूसरे नू बोली। किवें कहिंदे जी, अपने गिरवान मैं सिर नीवा कर देख, अपने गिरवान मैं सिर नीवा कर देख, अपने गिरवान मैं सिर नीवा कर देख, अपने गिरवान में सिर नीवा कर देख। फरीदा राती वडियां तुख तुख उठन पास, फरीदा राती वडियां तुख तुख उठन पास, त्रिग ते नांदा जीविया जिन्ना वे डाणी आस, त्रिग ते नांदा जीविया जिन्ना वे डाणी आस। खुले फैसले देते, खुले फैसले गुरबाणी ने, कहिंदे तिग ते ना का जीवे, ते कार है उहदे जीवन दे विच। गल्लां करन वेले तू वड्डियां वड्डियां करदा, पंथ नूं इदां ढाल लग रही, इदां ढाल लग रही, इदां ढाल लग रही, आ कमजोरियां गिणा दिंदा, आ कमजोरियां गिणा दिंदा, आ कमजोरियां गिणा दिंदा। जदों आप दी वारी आंदी है, ओह कमजोरियां तेरे घरों शुरू होंदियां ने। आखो सतनाम, ओह कमजोरियां ते तू पहरा दिंदा, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਤਿੱਗ ਤਿੰਨਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ, ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ, ਟਮਕਾਣਾ ਕਿਉਂ। ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
दास कितने बैठा सी ये विचारा शुरू हो गई। यह विशा किवें शुरू होया मैं तुम दसन लगा। साड़िया विचारा शुरू हो गई तो जो दास ने इन्नी गल कही ना मैं क्या तुम कहें आ कमजोरी आ कमजोरी आ कमजोरी। मैं क्या तुहाडे घर दे विच ही मैं तीन चार कमजोरियां नज़र आ रही हैं। तुम पंथ की गल की करते थे तुम पंथ की गल की करते थे कि आस रख रहे कौन उठेगा पंथ तू ही है तू ही है। जो 15 मिनट की गल हुई ना वो इदा हाथ जुड़े कहें जी आता विशा संगत च लाना चाहिए जे मेरिया अखा खुलियां तो कई अखा खुलनिया चाहिए आखो सतनाम कई अखा। हुण ध्यान दिओ आपां कहिंदे गिरावट आ रही है सिक्खी दे विच कौन है इहदा कारण जी कौन है इहदा कारण। बाहरों तो किसी ने की ढा लानी है बाहरों ढा लाण वाले बाद च आणगे पहले तू ढा ला के बैठा होया। गुरसिखी दे सिद्धांत नूं तुंबे तुंबे करदा पे गुरु सिद्धांत नूं तू तुंबे तुंबे करदा पे। तेरे घर सिखा वर्त रखे जान ये सिद्धांत ने गुरु दे। देखो मैं फिर अर्ज कर रहा जिस धर्म दे विच वर्त जायज गिने गए ठीक है कोई रोक नहीं ना सी कुछ कहिंदे पर गुरु नानक पंथ दे विच गुरु नानक नाम लेवा सिख साहिब ने यह उन्हूं हुक्म नहीं दिता वर्त रखण दा को सतनाम सगों वर्त तो रोकिया खंडन कीता वर्त दा। जिस धर्म दे विच रखते ने मुबारक असी कुछ नहीं कहिंदे पर तू गुरु नानक नाम लेवा सिख होवे फिर तू वर्त रखता पिया हो वर्त रखता पिया हो फिर तेरे घर श्राद्ध मनाई जा हैं जी कमाल हो गई। सिक्खी सिद्धांत दे पर खचे तो तू आप उड़ांदा पे ते बाहरों कहना सिक्खी नूं ढा लगदी पई है। जिस धर्म दे विच मनाई नहीं वह करन ना पर साढ़े विच तां बिल्कुल मनाई बिल्कुल मना ते जे मनाई होंदियां भी तू आ चीजा करें ते फिर उत्थे की सिद्धांत रह गया फिर तां तू अपनी सिक्खी नूं आप ढा लांदा पिया तू कसूरवार है सिक्खी नूं गिराण दे विच। आखो सतनाम की कहिंदे साहिब जी आ सुणियो फैसले साहिब ते छोड़े अन्न करे पाखंड ना सुहागण ना ओरंड छोटे अन्न करे पाखंड ना सुहागण ना ओरंड। जेड़ा अन्न छड़ के बह गया इहदे विच सारिया कैटेगरियां आ गई जी सारिया कैटेगरियां कई होंदे जी अन्न छड़ के बह जाते अजी तो जी फल फ्रूट खाने अजी तो खाली दुध पीने अन्न नूं तां हाथ नहीं लांदे। साहिब कहिंदे पखंड पखंड ना तू सुहागणा दे विच सुहागणा ही गुरु गोदी च बहिंदियां ना ओरंड ना सुहागण ना ओरंड तू किसी कैटेगरी च नहीं है तू तो रुलदा पिया ते जे ओ बीबी पखंड करदी पई है बीबी किसी नूं देख के हुण एक सिख सिद्धांत नूं मनण वाली बीबी होवे एक हिंदू सिद्धांत को मनने वाली बीबी हो उन्हें वर्त रखिया वो रखे उन्हें इनू किया सिख सिद्धांत वाली बीबी नू भाई तुसी नहीं रखना करवा चौथ का वर्त है पति वास्ते रखते हैं माड़ा तो नहीं माड़ा तो नहीं। वो सिख बीबी बड़े प्यार दे नाल कवे आप जी रखो तुहाडे सिद्धांत ने तुहानू रोक नहीं तुसी रखो कोई मनाई नहीं तुहानू पर सानू सख्त मनाई है साडे बाजां वाले वल्लों। आखो सतनाम सानू सख्त मनाई है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी वल्लों सानू सख्त मनाई है गुरु पंथ वल्लों कि ये कम असी नहीं करना। वो बीबी ने जदों नहीं सात संगत वर्त रखे हुण दसो उहदे घर दे विच सिक्खी मजबूत होई कि नहीं होई। आखो सतनाम होई कि नहीं होई। आ बाणी दे फैसले ने सुनियो अगे की कहिंदे जी सुनो राम संग
नाम देव जन को प्रतिज्ञा नाम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा एकादशी व्रत रहै काहे को तीर्थ जाई एकादशी व्रत रहै काहे को तीर्थ राम संग नाम देव सुनो ध्यान देना राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई कहिंदे मैं अपने प्रभु दे नाल जुड़िया अपने साईं दे नाल जुड़िया उहदे नाम दे नाल जुड़िया मैनू प्रतीत हो गया मैनू ज्ञान हो गया कहिंदे एकादशी व्रत रहै काहे को तीर्थ जाई कहिंदे मैं इन्हां व्रतां विचों भावें एकादशी दा व्रत है भावें कोई भी व्रत है कहिंदे मैं इस व्रत दे विचों की लैणा मैनू कुछ नहीं मिलना इस व्रत दे विचों ते मैं क्यों तीर्थां च जा जा के इशनान करां कहिंदे एकादशी व्रत रहै काहे को तीर्थ जाई कहिंदे ना मैं कोई व्रत रखणे ने ना मैं तीर्थां ते जाणा मैं तो अपने साईं दा नाम लैणा आखो सतनाम ना मैनू व्रत ने पार लंघाणा ना मेरे व्रत ने बंधन कटने ने मेरे बंधन तक कटे जाणगे नाम दे करके आखो सतनाम नाम ने मेरा बेड़ा पार करना है नाम ने मैनू पार लंघाणा है नाम ने मेरे बंधन कटने ने कहिंदे मैं एवें व्रत रखी जाऊं हुण दसो आपां कहिंदे जी विरोधी ताकतां ढा ला रही हैं ओ ढा तां तूं ला रहे अपने पंथ नूं ढा तां तूं ला रही साई खुले फैसले दे रहे ने कहिंदे जे वर्त रखना ही ना गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे कहिंदे वर्त रखना ही आ बीबी हो बहुता शौक आ गया ना वर्त रखण दा ते साई ने यह भी दसता किहड़ा वर्त रखना आखो सतनाम किहड़ा वर्त रखना है तुसीं कहिंदे जिहनूं तुसीं एकादशी कहिंदे हो हुण एकादशी दा वर्त हिंदू धर्म दे विच बड़ा महान गिणिया गया सदके उहनां लई महान गिणिया गया सारा दिन भुखा रहना पैंदा है उहदे च बड़ियां पाबंदियां भी होंदियां ने साहिब कहिंदे जे एकादशी दा ही वर्त रखना ही ना आ वर्त दा ढंग बदल दे उस वर्त दे विच भुखे रहना ना 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 आ ढिड नूं क्यों सजा दिंदा पिया अन्न दे नाल तेरा की वैर है भाई कहिंदे जे वर्त रखना ही ते इदां दा वर्त रख किवें कहिंदे ने जी एकादशी निकट पेखो हरे राम एकादशी निकट पेखो हरे राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सरब जी दया मन संतोख इन विध भारत संपूर्ण भया इन विध भारत संपूर्ण भया साहिब कहिंदे जे वर्त रखणी है रखन कहिंदे एकादशी निकट देखो हर राम कहिंदे हरी नूं परमेश्वर नूं निकट जाण निकट जाण आ एकादशी दा वर्त इदां रखी अन्न छड दिता शरीर नूं तशद्दद दित्ती उह कादे वर्त होए गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे कहिंदे आ इदां दा वर्त रख एकादशी निकट पेख हो हर राम ओ जिहड़ा अपने राम नूं जिहड़ा अपने भगवान नूं जिहड़ा अपने अल्लाह नूं जिहड़ा अपने वाहिगुरु नूं नेड़े समझदा ना अंग संग समझदा ओ पाप नहीं करेगा ध्यान देना वह पाप नहीं करेगा वह किसी पर अत्याचार नहीं करेगा वह माड़े काम नहीं करेगा क्यों अंग संग समझ रहे अंग संग समझ रहे साहिब कहते हैं कहते इंद्री बस कर
सुनो हर नाम इंद्री बस कर ए इंद्रियां साढ़े वस विच है ही नहीं कहते रख यो जा वर्त रख इंद्री बस कर सुनो हर नाम तेरे सरवण जड़े ने कन निंदिया ना सुन माड़े गीत नाद ना सुन तेरी जबान तेरी आ जड़ी इंद्री है तेरी जबान गलत बोल ना बोले किसी का हिरदा ना वलूंदरे ओए देखी ओए इस रसना तो निंदिया ना खाई इंद्री बस कर सुनो हर नाम सुनो हर नाम तू इदा जदों बस करके नाम सुनेगा उस सीधा नाम तेरे हिरदे च जा टिकेगा आखो सतना अपनिया इंद्रिया नू कह इंद्रिया नू कह नेत्रा नू कह अज माड़ा नहीं वेखना वर्त रखते हो ना एक दिन का वर्त होंगे कदे किदा वर्त होंगे कदे किदा आ रखो रखो दो दिन वर्त तीन दिन वर्त चार दिन वर्त रखो कि इन्हां अखां तो मैं माड़ा नहीं वेखना रखो ना वर्त इन्हां कन्नां तो मैं माड़ा नहीं सुनना आ दो दिन अपने ते इन्नी पाबंदी लाओ आ वर्त रखो कि इस रसना तो मैं माड़े बोल नहीं बोलने किसी का हिरदा नहीं वलूंदरना आखो सतना साहब कहिंदे इदां दा एकादशी का वर्त रखिया कर इदां दा फिर साहब कहिंदे ने मन संतोख सरब जी दया ध्यान देना जी सरब जी दया मन दे च संतोख लिया संतोख है तेरे भूंतरिया फिरद मन तृष्णावां दे विच लालच दे विच भूंतरिया फिरद कहिंदे इन बिद वर्त संपूर्ण भया कहिंदे इदां जे वर्त रखेगा अपनिया इंद्रिया नू संकोच कर लेगा अपने मन नू संतोख विच ले आएगा कहिंदे सच जानी इन बिद वर्त संपूर्ण भया इन बिद अपने गिरवान मैं सिर नीवा कर दे अपने गिरवान मैं सिर नीवा कर दे अपने गिरवान मैं सिर नीवा कर दे अपने गिरवान में सिर नीवा कर दे नहीं जी साडे विच आ चीजा नहीं ना गुरु नानक साहब ने एक कर्मकांड नहीं अपनाए नहीं अपनाए हुण सिखां दे विच भी सात संगत शराद रखे जा रहे ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਢਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ मैं कहा तुसी ये क्यों पूछिया गुरसिखी दे विच क्योंकि वह हिंदू धर्म नू रिलेटिड ने कहिंदे नहीं जे गुरसिखी धर्म दे विच अगर श्राद्ध नहीं तो असी भी छड़ देने असी भी छड़ देने मैं कहा बई सदके तुहाडे तो सदके कहिंदे मैनू खुलासा करो मैं कहा जी श्राद्ध कहिंदे किनू पहले तुसी ये दसो कहिंदे जी श्राद्ध जिहड़े साडे पितर मर चुके ने उहनां दे नाम ते असी फिर लंगर लांदे हां मैं क्या मैनू एक गल दसो जींदी मां नू पुछना कोई नहीं है जी जींदा प्यो जिहड़ा कोल बैठा उन्हू दवाई नहीं पुछनी उन्हू पानी नहीं पुछना उन्हू तरसाई जाना उहदे मरण तो बाद उहदे लई पूड़ियां छोले ला देने कड़ा प्रसाद ला देना ओए आ कोई श्राद होया आ कोई श्राद होया कि उत्थे तक पहुंचेगा उन्हू कर्म कांड है कर्मकांड है मैं फिर कह रहा किसी की भावनावां नूं ठेस ना पहुंचे मैं तां बार बार ये गल बोल रहा जे
किसी धर्म के विच ए सही मानता है, सही गिणिया गया, भाई करो। मैं खाली अपनी सिक्खी की गल कर रहा, गुरु नानक नाम लेवा पंथ की मैं गल कर रहा, मैं होर किसी पंथ की गल नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म की गल नहीं कर रहा। मैनू अपने घर की गल करनी बनती है, मैं अपने घर की गल सीना ठोक के करांगा, दूजे घर की गल कर हक मैनू नहीं। आखो सतनाम, मैनू नहीं। अपने घर की जिहड़ी ऊणताइयां ने, कुरीतियां ने, उहदे बारे जरूर असीं बैठांगे, जरूर विचार करांगे, सास ने जरूर विचार कर। मैं उन्होंने एक गल पूछी, मैं कहा मैनू एक गल दसो, अगर तुसी उन्हां श्राद्ध दे दिनां दे विच ही लंगर ला के ये समझते हो, यह समझते हो कि वह पितरां तक पहुँच गया, तो मैं कहा मैनू एक गल दसो, श्राद्धां तो बाद अगर आपां अपने पिता जी की याद दे विच लंगर लाइए वह ना पहुँचेगा। आखो सतनाम, ये सब कर्म कांड है, सब कर्म कांड है। ये साध संगत भरमाया जा रहा है, पिछलिया रीतां चलदिया आ रही, रवायतां चलदिया आ रही, बस बंदा फसया हो। तू लंगर लाना है ना, लंगर लाना उदा ही ला दे गरीबों के बीच जा ना। अदास ने एक बार गल दसी थी, कोई शरीर ना पंडित जी को गया जिहड़ा जंत्रियां मंत्रियां वेखदे, उन्हें कहा जी कहिंदे मेरा बहुत ज़्यादा इदा नुकसान हो रहा, इदा इदा मेरा काम अड़िया पिया, बड़ा मेरे ते अड़चन आई पी, दसो की कर। पंडित जी कहिंदे डेढ़ दो किलो दाल नहर दे छोड़। उस बंदे ने दाल कट्ठी कीती, नहर दे कोल चला गया, सुटन लगा, उहदा मन ना मनिया, कहिंदे दाल सुटता दे आ, किस अर्थ, किस अर्थ, उहदा मन ना मनिया। सात संगत उहने दाल ना सुटी, पंद्रह कु दिन बाद पंडित जी दे कोल आया डब्बा लैके मिठाई दा, कहिंदा पंडित जी मूँह मिठा करो, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। कहिंदे देखिया तैनू विधि दित्ती सी ना, तेरा काम बन गया, विधि दित्ती सी। ओ कहिंदे महाराज मेरा काम जरूर बनिया पर तुहाडी विधि दे नाल नहीं बनिया। कहते वह किवें? कहते जी आप जी ने कहा सी कि नहर दे विच डेढ़ दो किलो दाल काले मां दी सुट देनी। कहते फिर? कहते महाराज मैं गया तो सी पर मन नहीं मनिया। कहते फिर की कीता? कहते वह डेढ़ दो किलो दाल मैं बनाई घर, घर बनाई तो प्रशादे ला ले, हाँ जी ढेर सारे प्रशादे बना ले, वो दो किलो दाल बना ली। तो कहते मैं तुर पिया, जेड़े गरीब सन न, गरीब जिन्होंने दोपहर की रोटी नहीं खाधी सी, कहिंदे मैं उन्हां कोल गया, दो दो प्रशादे उन्होंने तली ते रखे, दाल पाई, तो कहिंदे मैं उन्होंने एक गल बोली कि भाई प्रशादा छको तो मैनू असीस दिओ। आखो सतनाम, प्रशादा छको तो मैनू असीस दिओ। हुण जिस भुखे की सात संगत ढिड दे विच रोटियां जा रही, उहदी असीस ना निकलेगी, उहदे ढिड चों असीस ना निकलेगी? वह नहर विच काली मां की दाल सुट्टण ते की तैनू असीस मिल? वह जिहड़े जिहड़े मंगते दे हाथ दे विच, गरीब दे हाथ दे प्रशादा रख रहा, उन्हूं बोल रहा कहिंदे मेरी अरदास करो मेरा आ काम बन जाए, मेरी अरदास करो मेरा यह काम बन जाए। गरीब कामू गुरु की गोलख। आखो सतनाम, यही सिद्धांत ने गुरु के, यही सिद्धांत ने। जदों कहिंदे मैं वो प्रशादा छकाया, कहिंदे पंडित जी तुसीं एक दिन गया सी दाल रोड़ दी, मैं पंद्रह दिन जाके प्रशादा छकाया गरीबों। आखो सतनाम, तो कहते मैनू विश्वास सी किसी एक गरीब की तो सीस उत्थे तक जाएगी ना। आखो सतनाम, किसी एक कहते मैनू यकीन सी किसी एक एक गरीब की, किसी एक भुखे की जो भुख मिटनी है उसकी असीस तो बारगाह दे विच लगेगी। कहते मेरा काम राजी हो गया, मेरा काम राजी हो गया। सात संगत आ कर्म कांड ने साडे विच हुण शुरू हो चुके ने, पहले वर्त वड़े हुण आ श्राद्ध वड़दे पे। मैं उन्होंने गुरमुखां नूं कहा, मैं कहा देखो जी सिक्खी सिद्धांत दे विच कोई श्राद्ध नहीं, कोई श्राद्ध नहीं। जदों मर्जी गुरु के नाम के निमित साध संगत गरीबों से लंगर ला दौ। आखो सतनाम, इतने तो रोज़ ही गुरु घर च लंगर वरतते होंगे,
रोज ही लंगर वरत रहे ने। जेड़ा मर्जी गरीब आवे छकी जावे, जेड़ा मर्जी आवे जेड़े मर्जी धर्म का होवे छकी जावे। गुरु नानक की विशालता है, सानू किसी फाउंडेशन दे विच घेरे दे विच भरमां दे विच नहीं बनिया। साहब कहिंदे तू आजाद सोचदा है, आजाद सोचदा आजाद बिरती का मेरा सिख होवे, कर्मकांडियां ना होवे। कर्मकांडी सिद्धांत नू पकड़ के रखो। हर बंदा अपने अपने धर्म दे विच पक्का, धर्म दे विच पक्का। इस्लाम देखो वह अपने धर्म च पक्का, ईसाई देखो अपने धर्म च पक्का, हिंदू देखो अपने धर्म च पक्का। वह सिखा तू क्यों डोली जा, तू क्यों थड़की जा, तू बिना पेंदे दा लोटा कदे इधर कदे इधर कदे इधर। उन्हें तेन कहता श्राद रख लै, तू श्राद रख ले। उन्हें कहता वर्त रख लै, वर्त रख ले। उन्हें कहता पूजा रख लै, पूजा रख ले। भाई ये अपने सिद्धांतों वेख हुण इहदे करके कि पंथ नू ढा नहीं लग रही। दसो जी अज एक बीबी रखती है वर्त, अज बीबी श्राद रखती, उहदा छोटा जिहा बच्चा वेखदा पिया, छोटा जिहा बच्चा वेख रहा। हुण उस बच्चे दे जहीं दे विच की आएगा। मेरे माँ प्यो ये काम कर दे, उन्हें भी अगों जाके करना, वो परंपरा शुरू होगी, वो परंपरा शुरू होगी। उहदे घर इन्हां चीज़ां ने पक्का डेरा ला लेना है, पक्का डेरा। घरों गुरु सिद्धांत उड़ जाणगे, दूजे सिद्धांत अंदर आ जाणगे। गुरु सिद्धांत उड़ गए, दूजे सिद्धांत अंदर आ गए। फिर तू कहना ढा लगती जा रही है, बगानिया ने तो क्या ढा लानी है। सजना अपने ही ढा लाणू तुरे पे, अपने ही पहले ढा लाते पे। अपने घरों शुरू होवो, अपने घरों, अपने घरों शुरू होवो, अपने घरों। ये बिने है तुहाडे चरणा दे, जिथे जिथे आवाज जा रही हथ बन बेनती है, हथ बन। बिल्कुल गुरु साहब ने वर्जित किया वर्त नहीं रखने, सिखा तू वर्त रख रहे हैं, फिर गुरु दी तेरे ते खुशी नहीं होएगी, गुरु दी खुशी नहीं होएगी। मत गुरु को खुशियां पाली, गुरु ने मना किया है शराधा तो, बिल्कुल रोकिया। जे तू शराध घर रखद गुरु दी नहीं खुशी होएगी तेरे ते, ते जे रखी जाना गुरु वाल भी उंगल हो रही है, ते पंथ वाल भी उंगल हो रही है। खुसतना खुले पद्धर ते साहिब ने फैसला देते ना, बाबा फरीद जी दी रसना तो की कहीं देने। आप नेड़े गिरिवान मैं सिर नीवा कर देग, आप नेड़े गिरिवान मैं सिर नीवा कर दे, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर दे, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर दे। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, काले लिखना लेख, काले अपने गिरिवान में सिर नीवा कर देग, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर देग। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਸਕੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਰੋਸ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਆ ਰੋਸ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਮਨੇ ਯੇ ਖਾਇਆ, ਤੁਮਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਰਲਾਣਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਰਾਠੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਾਠੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋ, ਜੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੂੜਾ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੇਸ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਰਵੱਟੇ ਮੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ।
ਉਹ ਪੀੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਣ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਣ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨੱਕ ਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਰੁੱਸੇ ਰੁੱਸੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੁੱਸੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੁੱਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਪਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੀਆਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਉਛਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਕੰਮ ਉਂਗਲ ਪਿਓ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਉਂਗਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਉਂਗਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੌਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੌਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਾਂਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ
सिर नीवा कर दे अपने मैं एक बेनती करा जिमें परिवार का एक जी दुखी होवे ना पीड़ा विच होवे दर्द विच होवे सारी रात सारा परिवार इकट्ठा हो जाता सारा परिवार इकट्ठा हो जाता पीड़ा एक नूं है सारा परिवार इकट्ठा होया वे आंदा ना जी पंथ भी साडा परिवार है पंथ भी साडा परिवार है किसी ते पीड़ा आवे उहदे लई खड़े हो जाओ। आ गुरु ने दसवंध कढ़न की जाच क्यों दसी क्यों दसवंध की परंपरा शुरू की दसो क्यों वो इस करके शुरू की कि अपने परिवार वाले की बांह पकड़ी अपने परिवार वाले की बांह पकड़ी तुहाडे नेड़े तेड़े मैं कहना हर बंदा अपने नेड़े तेड़े वाले अगर संभाल लेगा दसो जी पंथ किदां चढ़दी कला च नहीं जाएगा जी किदां चढ़दी कला च नहीं जाएगा। मैं कहना जिथे तुसी मेजर दसवंध देना दे किसी संस्था के नाल जुड़े हो कि जुड़े हो मनुखता के कार्यों लई होर जिवें भी वो देना दो पर दसवंध का कुछ हिस्सा ऐसा रख्या करो। हुण कोई गरीब है लाचार होया हुण साध संगत कारो दे रोटी नहीं की करोगे की करोगे। मेरी अखी देखी दी गल है साध संगत दास बैठा सी कोई गुरमुख प्यारा बैठा कोई गरीब वो साडे धर्म का प्रचारक ही सी हाँ जी वो गरीब किते गुरद्वारा साहब पहरेदार दी उहदी ड्यूटी सी नहीं उहदा सरदा होना जी अजकल तनखावां भी साडे गुरद्वारे साहब दियां साध संगत इन्नियां ही ने बंदा अपने शौक की पूरे करेगा वो तो चज दे नाल अपने बच्चे नूं पढ़ा भी नहीं सकता आखो सतनाम पढ़ा भी नहीं सकता नहीं पूरी पैंदी होनी तो उन्हें विचार किया कि मैं कोई रेहड़ी ला लवां उन्हें आके ना उस शरीर नूं बेनती की कहिंदे जी जे तुसी मदद कर दिओ मेरी मैं रेहड़ी ला लाँगा तो रेहड़ी ला के मैं अपना गुजारा कर लाँगा तुसी कदे वेखना कदे वेख्यो सिख तुहानूं मंगदिया नज़र नहीं आएगा मंगता नहीं होएगा सिख आखो सतनाम भावें रेहड़ी चलाएगा भावें रिक्शा चलाएगा पर भीख नहीं मंगता नज़र आएगा तुहानूं सिख ये बाजां वाले दी बख्शिश है। उन्हें कहा कहिंदे किन्ने दी रेहड़ी बन जाएगी उन्हें कहा जी लगभग लगभग 20,000 दी ते 3-4-5,000 दा समान आ जाएगा ते कहिंदे जे ये अगर कर दिओ साध संगत उन्हें एक मिनट लाया एक मिनट कहिंदे कल आई मेरी दुकान ते ले जाई बेटा और रेहड़ी बना के मेरी दुकान ते पहले रेहड़ी लेके आई समान पा के मैं वेखना चाहना ते जे तू रेहड़ी नहीं बनाई फिर एदा तेनू हरजाना देना पैना ध्यान देना फिर एदा तेनू हरजाना देना पैना। कई बार आंदा माया बंदा ले लैंदा फिर किसी होर अर्थे ला दिंदा उस बंदे ने रेहड़ी बनाई सत्संग अपना गुजारा कर रहा बाहरों रेहड़ियाँ किराए पर भी मिल जाती कोई 100 कोई 150 रुपया लेंदा हूँ उस बंदे ने मान लो जो 300 रुपया दिहाड़ी का कमाया या 250 कमाया रेहड़ी अगर किराए पर होंगी 150-200 उन्होंने दे देंदा पल्ले की बचिया हूँ घट्टो घट 250-300 रुपया घर तक लैके जा रहा 250-300 रुपया घर तक लैके जा रहा बां पकड़िया करो बां पकड़िया करो। परिवार दे विच एक जी नूं दर्द होवे पीड़ा होवे सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है हुंदा ना जी इकट्ठा हो जाता है। इदां ही जे पंथ दे विच कोई भीड़ आवे ना कोई तुहाडे नेड़े तेड़े इदां लगदा है तुहानूं कि बहुत लोड़ है क्योंकि जे तुसीं बां नहीं पकड़ी ना साध संगत फिर धर्म परिवर्तन वाले बड़े अज तुरे पए ने आखो सतनाम बड़ा जोर लगा होया धर्म परिवर्तन दे विच आवाज़ा उठदियां पईआं सारिआं नूं इस धर्म दे विच लिआउणा इन्ने साल तक इन्ने साल तक आपां सारिआं नूं इसे धर्म 'च लिआउणा आवाज़ां उठ रहीआं फिर उस बंदे ने की करना फिर जे तुसीं बांह नहीं पकड़ोगे अगले ने बांह पकड़नी है पर शर्त एक रख लेनी है धर्म बदल लै धर्म बदल
उन्हें मिनट च धर्म बदल लेना। उन्हें कहना जी रोटी मेरा धर्म बनया होया इस वेले, जेड़ा मैं रोटी दे देगा वो मेरा धर्म, जेड़ा मर्जी वह धर्म बोले मैं वह धर्म बना लाँगा। फिर हो गया इदा भी ढा लग रही है, इदा भी ढा लग रही है। असी साध संगत मेरा ख्याल है लख लख दो दो लख दे लंगर ला देंगे, रजियां नूं तां रजा देंगे, पर ओह लख डेढ़ लख दे नाल चार पांच गरीब परिवार नूं साध संगत कारोबार ही खोल के दे दिओ, कारोबार ही खोल के दे दिओ, ताकि वह रजवा रोज़ भोजन तो खा सके, प्रशादा तो छक सके। पक्का धर्म है अपनी सिक्खी दे विच। गुरु नानक साहब कृपा करन साध संगत, ये असी विचारीए ये निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने, निक्कियां निक्कियां चीज़ां जेड़े साडे पंथ नूं ढा ला रही हैं, ते निक्कियां निक्कियां चीज़ां नूं जे आपां संभाल लांगे ना पंथ किधर पहुँच जाएगा, आखो सतनाम किधर दा किधर पहुँच जाए। इसलिए दूजियां वल झाकण तो वधिया आप ही साध संगत जो हो सके जो बन सके तिल फुल शुरू कर दिओ, शुरू कर दिओ। गुरु नानक साहब कृपा करन जब तुसी कदम चकोगे ना आप गुरु सहाई होणगे, आप गुरु सहाई होणगे। जेड़ी बीबी अज परवटे मुणदी केस कटदी, हुण ओ बोले जी मैं अज केस कटने बंद कर दिया, मैं बदसूरत दिखांगी। तू कर अरदास दे करा के पांच पाठ जप जी साहब दे करके कर अरदास, सचिया पातशाह मैं आ सुनिया मेरे करके पंथ नूं ढाल लगदी, मेरे करके तुहाडे ते उंगल होंदी, अज तो बाद बंद। सचिया पातशाह पर लाज रखी, हुण मैं बंद तो करन लगी हाँ मेरा चेहरा करूप ना लगे, ते जे खुदा ना खासता साध संगत करूप लग भी गया ना एक्सैप्ट कर लेना, क्योंकि इस देई ने तो एक ना एक दिन बिनस जाना है, बिनस जाना है। साहिब कहिंदे इस देई नू सवारण दी थां ते अपने अंदरले नू सवार लै, आखो सतनाम अंदरले नू सवार लै। आओ सारे कृपा करिए अपने मन नू कहिए मना मेरे आ आप मेरे गिरिवान मैं सिर नीवा कर दे, अपने गिरिवान में सारे कीर्तन करो सिर नीवा कर दे। फरीदा जे तू अकेले लतीफ काले लिख ना लेख, फरीदा जे तू अकेले लतीफ काले लिख ना लेख, काले लिख ना लेख, काले लिख ना लेख, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर दे, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर दे, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर दे, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर दे। अगर तुहानू ए वीडियो वधिया लगी है तां लाइक करो अते अग्गे शेयर जरूर करो जी।